मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। चाबी के इंतजार में बैंक में घंटे भर बैठे रहे डकैत। बैंक मैनेजर ने चाबी का बहाना बनाकर डकैतों को चकमा देने में कामयाब रहे, जिसके कारण डकैतों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और एक डकैत मारा गया। धनबाद में हुई डकैती के दौरान पुलिस और डकैतों के मुठभेड़ के बीच एक डकैत मारा गया, जबकि दो डकैत पकड़े गए। लेकिन डकैतों को यह नहीं पता था कि जिस तिजोरी की चाबी के लिए वे तकरीबन एक घंटे से इंतजार कर रहे थे, वही उनके फंसने का कारण बन गया। मुथूट फिनकॉर्प के मैनेजर विक्रम राज ने लगभग एक घंटे तक चाबी नहीं होने का बहाना बनाकर डकैतों को उलझा कर रखा। डकैत जब भी तिजोरी की मांग करते तो चाबी कर्मचारी के हवाले होने की बात वो कहते। बैंक मैनेजर कहता, 5 मिनट में एक कर्मचारी चाबी लेकर आ रहा है। 5-5 मिनट का यह इंतज़ार करीब एक घंटे का हो गया। डकैत ब्रांच मैनेजर की बातों में आकर काफ़ी देर तक वहां रह गए। इस बीच पुलिस को सूचना मिल गई और मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया और दो पकड़ लिए गए। ब्रांच के अंदर डकैत वीडियो कॉल से बाहर अपने कुछ साथियों से बातचीत कर रहे थे। वे बाहर अपने साथियों को ब्रांच के अंदर की गतिविधियों के संबंध में पूरी तरह से बता रहे थे। ब्रांच के कर्मचारियों की माने तो डकैत इस दौरान बार बार भूली का नाम ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जिसे कॉल किया जा रहा था वह भूली के आसपास का ही था। ब्रांच के कर्मियों के अनुसार घटना में मारा गया पहला डकैत इससे पहले भी ब्रांच का ग्राहक बनकर आया था। उसका चेहरा देखते ही ब्रांच के कर्मचारियों ने पहचान लिया। कर्मचारियों के अनुसार वही युवक 2-3 दिन पहले ब्रांच में फाइनेंस से संबंधित बात करने को लेकर आया था। एक दो बार वह ब्रांच कार्यालय के बाहर भी चक्कर काटता हुआ दिखा था। धनबाद के बैंक मोड़ में मुथूट फाइनेंस में आपराधिक गिरोह ने जिस तरीके से घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, उसी तरह जमशेदपुर के मानगो के डिमना रोड बैंक ऑफ इंडिया में आपराधी घुसे थे। नगद समेत 1.5 करोड़ के सोने की डकैती कर वो भाग निकले थे। अपराधियों की संख्या लगभग 6 थी। घटना 18 अगस्त की है, जो दोनों घटना मिलती जुलती हुई है। मानगो की ही तरह धनबाद में बैंक खुलते ही अपराधियों ने धावा बोला था। जमशेदपुर पुलिस को आशंका है कि धनबाद में पकड़े गए अपराधी या गिरोह के सदस्य मानगो के बैंक डकैती में भी शामिल थे। इसका पता लगाने के लिए जमशेदपुर की एक पुलिस की टीम धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार से बातचीत करेगी। टीम अपराधियों का सीसी फुटेज लेकर भी गई है। धनबाद में पकड़े गए अपराधी बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। मानगो में हुई डकैती की घटना में बिहार के समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर गिरोह के संलिप्तता मामले सामने आई है। इस गिरोह की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। बैंक मोड पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मुथूट फाइनेंस में कुछ लोग घुसे हैं डकैती करने के लिए। इन्फॉर्मेशन मिलने के विद इन अ मिनट जो ऑफिसर इंचार्ज हैं यहाँ इंस्पेक्टर पीके सिंह, अपने 2 जवानों के साथ स्पॉट पे रश किए और इन्होंने अपने अन्य जवानों को बताया कि वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन जब तक और अन्य जवान तैयार होते, क्योंकि टाइमिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना कितना जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर वो स्पॉट था जहाँ पर यह घटना हो रहा था। तो इन्होंने अपने हथियार और अपने 2 जवानों के साथ ये दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। जब ये स्पॉट पे पहुंचे तो अपराधकर्मी को पता चल गया कि शायद नीचे पुलिस आ रही है। वो लोग भागने का प्रयास किया और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उन्होंने गोली चलाई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी अपनी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी मारा गया है और
दो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि धनबाद के पिनक्रॉप में डाके को अंजाम देने के लिए जिस तरह की गतिविधियां तैयार की गई उससे कहीं ना कहीं वे अब पकड़ में आ सकते हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर डकैतों का गिरोह धनबाद और जमशेदपुर जैसे अति व्यस्त शहरों में किस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर अपनी घटना को अंजाम देता है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।